कर्म संस्थान नहीं है, नौकरी नहीं है। उस लोग वादा किया था कि 2 करोड़ एक साल में 2 करोड़ करके नौकरी देगा, लेकिन कितना दिया? अभी लेबर मिनिस्ट्री ने बताया कि बहुत कम, 2 लाख से कम, एक एक साल में 2 लाख से कम नौकरी आया है। इसीलिए हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का जो पर्सपेक्टिव है, देख लीजिए, जो विदेशी लाने के लिए, हिंदू बांग्लादेशी लाने के लिए उस लोग कोशिश कर रहा है। असम का सब लोग 97 ट्राइब्स, असम में 97 ट्राइब्स है, और हर टाइप ने बता दिया कि बीजेपी के साथ हम लोग नहीं जाएंगे, बीजेपी का खिलाफ करना है। इसीलिए हम लोग बोलता है कि अभी इंडिया में जो माहौल आ गया है कि किसान लोग खुशी नहीं है, युवा लोग खुशी नहीं है, महिला खुशी नहीं है, दलित खुशी नहीं है, मुस्लिम खुशी नहीं है, क्रिश्चियन लोग खुशी नहीं है, सिख लोग खुशी नहीं है, सब लोग अभी बेखुश हो गया। इसीलिए हम लोग एकता होना पड़ेगा, हम लोग एकता होके उस लोग का खिलाफ लड़ना पड़ेगा, ये हम लोग का बात है। इसीलिए सिर्फ इलेक्शन को मत देखिएगा, देख लीजिए एनएसए किसका ऊपर लगाया है, एनएसए राहुल गांधी का ऊपर नहीं लगाया है, एनएसए अरविंद केजरीवाल का साथ ऊपर नहीं लगाया है, एनएसए ममता बनर्जी का ऊपर नहीं लगाया है, एनएसए किसका ऊपर लगाया है, एनएसए भीम आर्मी का ऊपर लगाया है, सेडिशन चार्ज किसका, जिग्नेश मेवानी का ऊपर लगाया है, एनएसए मेरा ऊपर लगाया है। क्योंकि देख लीजिए सारा इंडिया में अभी सब लोग, सब सेक्शन का लोग खुशी नहीं है, सब लोग अभी उठ रहा है, जनरेटर खराब हो गया, इसको बताने के लिए, बंद करने के लिए, मुंह बंद करने के लिए उस लोग एनएसए लगा रहा है, एक्ट्रिसिटी चला रहा है। लेकिन हम लोग सब लोग एकता होना पड़ेगा। इसीलिए मैं नॉर्थ ईस्ट से बोलता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में हम लोग बीजेपी और आरएसएस का खिलाफ बड़ा बड़ा मूवमेंट लगा दिया। मोदी ने बताया था इलेक्शन का पहले, बताया था कि कभी नॉर्थ ईस्ट में बड़े बांध नहीं होगा, लेकिन मोदी आके नॉर्थ ईस्ट में बड़े बांध बनाने के लिए कोशिश किया था, और हम लोग रेजिस्ट करके, स्ट्रीट फाइट करके, हम लोगों ने, किसानों ने, कृषक को लागू करने के लिए कोशिश किया है। हम लोग नॉर्थ ईस्ट में सारा लोग मिलके बता दिया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अमेंड नहीं होगा, हम लोग इसको रेजिस्ट करेंगे, और जब तक उस लोग कोशिश करेगा तब तक बीजेपी और खिलाफ का साथ, खिलाफ बीजेपी और आरएसएस का खिलाफ हम लोग का लड़ाई चलेगा। इसीलिए हम लोग मिन्नती करता हो, आ जाइए, हम लोग का विश्वास राहुल गांधी का ऊपर नहीं है, ममता बनर्जी का ऊपर नहीं है, अरविंद केजरीवाल का ऊपर नहीं है, हम लोग जिग्नेश मेवानी को, हम लोग कन्हैया कुमार को, हम लोग का जितना मूवमेंट वाला लोग है, सब मूवमेंट वाला लोग एक साथ होके एक नई इंडिया बनाने के लिए, नया इंडिया बनाने के लिए हम लोग कोशिश करना पड़ेगा। ये इतना ही बोलना है बस, थैंक यू, इनकलूड जिंदाबाद।